बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद उनके पैतृक घर बिहार के समस्तीपुर में जश्न जारी है। परिवार के लोगों को खुशी है कि बिहार के जननायक को उनके निधन के 36 साल बाद सही सम्मान मिला है। आप सब जानते हैं कि समय पर सब चीज होता है। समय पर भारत सरकार ने निर्णय लिया, 36 वर्षों के बाद निर्णय लिया, जो भी भारत सरकार में रहे होंगे उन्होंने नहीं किया। ये भारत सरकार ने इस बार 100वां वर्ष पूर्ण होने के बाद किया। मैं अपनी तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से, समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए रहने वालों की तरफ से मैं उन्हें बधाई देता हूँ भारत सरकार को, और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। 100वीं जयंती से एक दिन पहले कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। राजनीति की दुनिया से जुड़े लोग भी केंद्र सरकार के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ये निर्णय किया है। उनकी सरकार ने ऐसे में पूर्ववर्ती कई महान हस्तियों को योगदान के आधार पर भारत ने दिया, जिनके कारण से लोकतंत्र के साथ साथ भारत सरकार को भी मान बढ़ा है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से इस निर्णय के लिए बधाई। जिन लोगों ने आजादी के लंबे अवधि तक सत्ता में बैठे और उनके जीते जी भी श्री कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित करते रहे, बड़े भाई और छोटे भाई तो खैर नौटंकी ही करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। अरे ईमानदारी के प्रतिमूर्ति थे, बिहार के प्रति समर्पित थे, सबका साथ सबका विकास की भाव को लेकर चलते थे, लेकिन उनके नाम पर ये लोग करते थे। कर्पूरी ठाकुर को बिहार के सामाजिक न्याय का मसीहा माना जाता है। वे 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम रहे। उन्हें पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने आजादी के आंदोलन और जेपी आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई।